बात दोस्त ये सवाल करते हैं कि किसी की बीवी बेनमाज है, वो अच्छा उसे समझाता है, काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो बाज नहीं आती। नमाज नमाज बाकायदा नहीं पढ़ती। वो आदमी ये पूछता है कि क्या इस बना पर बीवी से अलहदगी इख्तियार की जा सकती है? हो सकती है मगर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अम्बिया ने बस ऐसी बीवियों के साथ भी गुजारे किए हैं जिनकी अखलाकी हालत काबिल कबूल नहीं थी, और खुदा ने फैसला कर दिया कि वो तुम्हारे अहल नहीं हैं। तो इसका मतलब यह है कि लाजिम नहीं है कि ऐसी औरत को तलाक दी जाए, लेकिन बाज़ तकाज़े ऐसे होते हैं जिनमें दी जा सकती है। चुनाँचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी को तलाक देने के लिए हिकमत के साथ उसी बीवी के ज़रिए पैगाम भिजवाया था, और उसमें बड़ी हिकमत यह थी कि इसके सुलब से अज़ीम शान नबी ने पैदा होना है, उसकी माँ बनने के लायक नहीं है। तो महज वो एक वक्ती तौर पर जो नज़र आता है कि इस कमज़ोरी की वजह से था, मेहमान नवाज नहीं थी मसलन, मुझे लगता है कि वो सिर्फ़ एक ज़ाहरी अलामत वजह पैदा हुई है। हज़रत इब्राहिम को अपनी दुआओं के नतीजे में पता था और खुशखबरी खुदा दे चुका था, इसलिए उनके हवाले से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपका यह फ़ैसला बहुत ही आला और अनसब वाला फैसला था। लेकिन कोई उसको मिसाल बनाकर अब तलाकें देता फिरे, तुम मेहमान नवाज नहीं, तुम ये हो, तुम वो हो, तो ये झूठी नकल है, फितरत के मुताबिक फेल नहीं है। क्योंकि इब्राहिम का और इस्माइल का मकाम भी तो एक मकाम था, रोज़मर्रा हर शख्स का मकाम बीवी मुकाबले पर वो होता भी नहीं, खुद हज़ार अयूब में मुलव्वस हो और बीवी की अदना कमज़ोरियों से भी वो मुश्तहिल हो जाए और कह के अब मुझे हक़ मिल गया, मैं तुम्हें तलाक दे दूँ, ये तवाज़ुन के ख़िलाफ़ बातें हैं, समझ गए? जी।